बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों की क्या इच्छाएं हैं जरा बताएंगे? पहले तो आपका भी बहुत स्वागत है सर। इच्छाएं वही हैं जो आप पूछना चाहेंगे। इच्छाएं ये है कि आज हमारा फर्स्ट लुक लॉन्चिंग हो रहा है नागधारी फिल्म का, और बहुत ही खुशी की पूरी टीम है इस प्रांगण में। हमारे डायरेक्टर परवीन कुदरी जी हैं, हमारे इस फिल्म के मुख्य विलन हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, तो सब लोग हैं यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ। नागधारी का आज फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्चिंग है, जो हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत बना है। आप लोग भी इसको उतना ही आशीर्वाद दें और फिल्म को सुपर डुपर हिट करें। जी बिल्कुल, नवरात्रि के उपलक्ष में प्रोड्यूसर और पूरी टीम का डिसीजन था कि इस पावन अवसर पे नागधारी का फर्स्ट लुक लॉन्च करें, देन नवरात्र खत्म होते ही टीजर एंड ट्रेलर का भी एक म्यूजिक लॉन्चिंग होगा, उसकी भी ऑलमोस्ट डील हो चुकी है और फिल्म भी कंप्लीट है। मुझे लग रहा है इलेक्शन के जस्ट बाद फिल्म हमारी आप लोगों के सिनेमाघर, नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज में होगी और आप लोग देखेंगे और खूब सराहेंगे नागधारी फिल्म को। एग्जैक्टली, एक तो जैसे कि टाइटल ही है नागधारी, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि नाग और नागिन की फिल्म है, और अमरीश जी हैं फिल्म में। आप नागिन हैं? ये नाग है? ओ प्लीज़, हाँ मैं नागिन कैसे हो सकता हूँ? मैं नाग हूँ और अमरीश जी वन ऑफ नागिन के तो नाग हो नहीं सकता है ना। हाँ ऑफकोर्स, नागिन जो है वो कहीं बहुत व्यस्त चल रही है, काफ़ी प्रोजेक्ट है उनके पास, तो उनके पास समय था नहीं, इसीलिए जो है हम लोग दोनों डिसाइड किया कि एक दूसरे के लिए नाग नागिन बन जाते, तो फिलहाल मेरे लिए अमरीश जी नागिन और इनके लिए मैं नागिन। अब मेरी बारी है, ये डसेंगे मुझे, नागिन को डस लिए नागिन इस समय है। और जैसे इन्होंने कहा, बहुत अच्छा दिन है और नवरात्रि भी चल रही है और हम सब लोग बहुत खुश हैं, और हमारे जो प्रोड्यूसर है अशोक शुक्ला जी, वो भी यहाँ है, गुजरात से हैं वो, और प्रवीण कुमार गुजरी डायरेक्टर है, बहुत अच्छे फ्रेंड है हमारे, और राजन मोदी जी, मतलब क्या बात है, मतलब सिर्फ मैं क्या बोलूँ, आई मीन पूरी टीम है। और मैं ये भी बता दूँ, एक बहुत बड़ी पहली बार एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, हर फिल्म अच्छी होती है लेकिन इस अच्छी में से एक अच्छी फिल्म ये है कि पूरी टीम साउथ से, टेक्निकल जो कहा जाए, जो फाइट मास्टर हमारे मल्लेश जी और कैमरामैन डीओपी माही सर, तो पूरा ये श्रेय रहा कुणाल जी का और हमारे डायरेक्टर परवीन गुदरी जी का, और बहुत सहयोग रहा सेट पे, मुझे हर पल याद आता है राजन मोदी जी का। हम लोग ने बहुत ही मेहनत करके ये फिल्म को शूट कंप्लीट की, और सेकेंड शूट हमारा सिलवासा में हुआ, वहाँ भी बहुत ही गर्मी और बहुत कड़क धूप में भी वहाँ भी शूटिंग किया, तो मैं पूरा धन्यवाद कहूँगा पूरी टीम को जो हमारा साथ दिया, और बहुत खूबसूरत ढंग से हमारे इस फिल्म के राइटर ओम जी, जो उन्होंने बहुत खूबसूरती ढंग से लिखा है इस कहानी को, तो अद्भुत है, और फिल्म नागधारी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। परवीन जी से कितना खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए कि परवीन जी बहुत सुलझे हुए और बहुत शांत स्वभाव के और काम कराने में माहिर हैं, डांटते नहीं हैं, काम कराते हैं, और काम करते करते बहुत कुछ सुना जाते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं परवीन जी से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ, आई होप कि उनके साथ और भी फिल्में करूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आया मुझे एज ए फ्रेंड। ऐसा लगा कि एक दोस्त को बहुत प्यार से समझाता है और समझा के आगे कैसे काम किया जाता है, उस काम को निकालना भी वो जानते हैं। इन शॉर्ट, अपने आज के टाइम में वन ऑफ द फिनेस्ट डायरेक्टर इन आवर भोजपुरी इंडस्ट्री, प्रवीण बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात है अगर आप यू नो फ्रेंडली काम करते हो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। आई मीन इन्वॉल्वमेंट जो होता है फ्रेंडली होता है, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं होता कि नहीं यार, तो प्रवीण का है कि उसको जो बेहतर निकालना है वो किसी भी तरीके से बेहतर निकाल लेता है। इवन जब आप ये फिल्म देखेंगे, इवन प्रीवियस जो भी प्रवीण ने फिल्म बनाई है, इवन नागधारी भी देखेंगे, आई मीन बहुत सारी फिल्में आई हैं भोजपुरी में नाग नागिन के ऊपर, सबकी फिल्में अच्छी होती है, सबका अपना काम अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन टीजर या ट्रेलर आएगा उस दिन आपको लगेगा कि अभी तक जितनी भी नाग नागिन की फिल्म आई है वो बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल जी कि इसका जो बीएफएक्स का काम है पिछले 2.5-3 महीने से चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है, जो कि पूना में चल रहा है, निखिल जी कर रहे हैं, और बहुत ही अद्भुत उसके कुछ फुटेज मैंने देखा है अभी, इसी आई फोकस में ही पूरा पोस्ट का काम हो रहा है, तो मतलब देख के अभी से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी अलग है, और सबसे अलग जो अभी तक नाग नागिन की फिल्में आई हैं। उसके अलावा भरपूर एक्शन है, एक्शन मुझे पहली बार बहुत मज़ा आया एक्शन करने में, जो कि मल्लेश जी ने अद्भुत एक्शन करवाया और कमाल का मजा आएगा, और गाने भी संजय कुर्वे जी ने और लोगों ने बहुत ही अच्छा कोरियोग्राफी की है, म्यूजिक
इसका अद्भुत है जो कि मुन्ना दुबे जी ने दिया है, जो कि मेरी अभी एक फिल्म दुल्हनिया लंदन वाली उसमें भी उन्होंने दिया, और भी मेरी दो तीन फिल्में वो कर रहे हैं। तो एक नया उभर के म्यूजिक डायरेक्टर भी आ रहा है इस फिल्म से, और पूरी टीम मजबूत है, और मुझे लग रहा है फिल्म मजबूत होगी लोगों के दिलो दिमाग में, और खूब मजा आएगा लोगों को देख के। फिल्म की शूटिंग इलाहाबाद हड़िया के आसपास और शहर के आसपास पूरा गंगा के किनारे के आसपास हुई है, और उसके बाद 20 दिन का वहाँ शेड्यूल था, और एक हफ्ते का सिलवासा में शूटिंग था जो कि गुजरात में आता है। तो खूबसूरती ढंग से खूबसूरत लोकेशन को यूज किया गया, और इसमें कलाकार मैं अमरीश सिंह, कुणाल तिवारी, प्रीति ध्यानी, प्रियंका महाराज और समर सिंह जो कि सिंगर है, वो भी बहुत खूबसूरती इन्होंने काम किया है, और राजन मोदी जी, राजन मोदी जी तो विलन है ही है, उसके बीच के बहुत सारे एक्टर जो हैं, उमाकांत राय जी हैं, और वो लड़की क्या समर के सम मीरा यादव है, पूजा दीक्षित है। तो पूरा खूबसूरती ढंग से खूबसूरती कलाकार को लिया है, कास्ट किया है हमारे डायरेक्टर ने। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सीमा सिंह जी का ये लास्ट फिल्म है जब इन्होंने आइटम सॉन्ग किया था इस फिल्म। जी जी, इसके बाद ही उन्होंने शादी कर ली, तो कोई नहीं, ये फिल्म उनके लिए। दोनों फिल्म में नाग बने हैं, कभी रियल लाइफ में किसी को डसा है? नहीं, ऐसा भगवान ना करे डसने का मौका मिले, लेकिन लोगों ने मुझे डसा है ये पता है। तो डसने का नौबत ना है, अपने आप ऊपर वाला हर हर महादेव, और मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ महादेव का, तो मैं जानता हूँ वो खुद ही अपने आप पनिशमेंट दे देते हैं जिसको, जो गलत बुराई और गलत राह पे चलता है। फिल्म के निर्माता ने इतना सपोर्ट किया कि ऐसा लगा कि हर फिल्म के निर्माता यही हो। बहुत लस्सियाँ पिलाई हैं। हाँ, बहुत लस्सी पिलाई है उन्हें, रोज रात को डिनर में रेस्टोरेंट में ले जाके मुझे, एक्चुअली अरविंद और आतिर चली, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, तो बहुत इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, बड़ा मजा आया। मुझे लगता है हर फिल्म, इसीलिए अभी अगली फिल्म वो खाते है। नहीं है, लेकिन खिलाने में काफी माहिर है। हाँ। और उन्होंने बेशक पूरी क्रू टीम यानी पूरी टीम को काफी बेहद ही खुश रखा है। अच्छा, एक इसमें और प्रोड्यूसर हैं जो कि है नहीं यहाँ पे, और किसी व्यस्तता की वजह से वो बाहर हैं, तो उन्होंने भी बड़ी शिद्दत के साथ इसको प्लानिंग की थी फिल्म की, लेकिन पूरी दरकिनार किया हमारे अशोक शुक्ला जी ने, और हमारी पूरी टीम ने, प्रवीण गुदरी जी ने, और इस फिल्म के विलन राजन मोदी जी का मैं जितना ही बड़ाई करूं कम है, क्योंकि उन्होंने भी एक कड़क धूप में और कड़ी मेहनत के साथ पूरी फिल्म को अदम कठोरता के साथ पूरी टीम को हिम्मत देते हुए इस फिल्म को पूरा किया है। लस्सी पीते बिल्कुल, लस्सी हमने मिट्टी के बर्तन में इलाहाबाद की बहुत पी है, और वो मजबूती काफी दिन तक टिकी रही जो कि पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई। प्रयागराज और हंडिया के लोगों ने जितना सपोर्ट किया, कुछ कहेंगे उन लोगों को? बिल्कुल, हंडिया में तो लोग कहते हैं जाओगे तो पक जाओगे, लेकिन हमने वहाँ पके नहीं, हमने लोगों को पका के आया है। नहीं, वहाँ का रियल जो थाना था, पुलिस स्टेशन, हमने वहाँ शूट किया था। जी जी, उन लोगों ने परमिशन भी दिया था, और काफी बड़ा मजा आया और अच्छा। हाँ, लोकेशन काफी रियल रहे, ओरिजिनल थाना हमने इलाहाबाद में शूट किया, वो क्या नाम था सर थाने का? और इसके बाद रियल मठ थी एक बहुत बड़ा जो कि वहाँ पे शूट किया हमने, मंदिर थी, हाँ, तीन मंदिर गंगा के घाट के कछार में शूट किया। मतलब काफी बेहतरीन लोकेशन है, मतलब लोगों को बहुत अलग सा लगेगा, एक अद्भुत सा लगेगा, और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनी हुई है। जी धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच, और सबको नागधारी जरूर देखें आपके अपने नजदीकी सिनेमा घर। जय हो, जय हो, हर हर महादेव। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को।